मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आज की इस वीडियो में हम प्रभु के दो वचन लेकर आए हैं। यदि आप इन वचनों को हर विपत्ति के समय याद रखते हैं और उन विपत्ति के समय इन वचनों के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अपने दूतों को भेजेगा, वो आपकी रक्षा करने आएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों प्रभु का वचन प्रभावशाली होता है। यदि हम उन वचनों के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना प्रभु सुनता है। जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों इसलिए आप हर समय हम जितने भी वचन आप लोगों को बताते हैं आप हमेशा उन वचनों को याद करें, अपने डायरी में या अपनी कॉपी पे लिख ले। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों हम प्रभु का प्रभावशाली वचन लेकर आते रहते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग उन वचनों पर विश्वास करें, ये वचन मेरा नहीं बल्कि प्रभु का है और प्रभु का वचन कभी खाली नहीं जाता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग विश्वास करें, उन वचनों को लिखें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों अगर आप इन वचनों को, इन दोनों वचनों को जो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, हर एक विपत्ति के समय जब भी आप संकट में पड़ते हैं इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आएगा और आपको छुड़ाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों जब आप हिजकिया की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब आप हिजकिया की कहानी को पढ़ते हैं पुराने विधान में, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों जब हिजकिया के ऊपर सन्हेरीब का राजा आक्रमण करने आया था तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों उन्होंने रोकर प्रभु से प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया हिजकिया, और पिता परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और अपने दूतों को भेजकर उन्होंने सन्हेरीब के 185,000 सेनाओं का वध किया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों पवित्र आत्मा आता है और हमारी रक्षा करता है। आप लोग विश्वास करें मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सचमुच पवित्र आत्मा आएगा उस टाइम और आपकी रक्षा करेगा। जब आप विपत्ति के समय रो रहे होंगे, परेशान होंगे, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग इन वचनों पर विश्वास करें और इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों तो चलिए हम आप लोगों को वो दो वचन बताते हैं। पहला वचन है भजन संहिता 91 पद संख्या 11। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों जब भी आप दुख, समस्या, विपत्ति में पड़ते हैं, आपके ऊपर कोई बड़ा विपत्ति आ जाता है अचानक, तो आप इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें, प्रभु से बोलें कि प्रभु आप अपने दूतों को भेजकर हमें विपत्ति से छुड़ाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो प्रभु अपने दूतों को भेजेगा और आपकी वो रक्षा करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों और दूसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 8। प्रभु का दूत हमेशा उसके भक्तों के पास रहता है, विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ प्रभु ईश्वर हमारे लिए एक सहायक हमारे साथ भेजता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों वो हमसे शोकित हो जाता है और वो शांत हो जाता है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम अपने पापों को छोड़ते हैं, जब हम अपने बुराइयों को छोड़ते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के राहों पर, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ा हो जाता है। वो हमारे साथ चलने फिरने लगता है, हमारी सहायता करने लगता है, हमसे बातें करने लगता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोगों के भी साथ पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन कहता है प्रभु का दूत हमेशा उसके भक्तों के पास रहता है। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, आप प्रभु की आराधना करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप लोग विश्वास करें पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको कहीं से पवित्र आत्मा पाना नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ जन्म से ही है। जब हम जन्म लेते हैं तो उसी टाइम से पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन हमारे अपराधों के कारण वो चला जाता है, शांत हो जाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई ने वो जाता कहीं नहीं, वो शांत हो जाता है। वो हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में कोई अच्छाई या हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग विश्वास करें पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब भी आप विपत्ति में पड़े तो आप इन वचनों को जरूर बोलें कि पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करें, आप हमारे सहायक हैं, आप हमारी रक्षा करें, तो आपको पवित्र आत्मा जरूर सहायता करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आपके सामने चाहे जितने भी योद्धा या जितने भी मतलब दुश्मन आपके सामने हो, पवित्र आत्मा उन सारे लोगों से आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग विश्वास करें और हमेशा प्रभु की आराधना करते रहें, प्रभु की वचनों पर चलते रहें मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर पाएगा। यदि आप पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा और आप उस विपत्ति से हार जाएंगे, उस विपत्ति में पड़ के कुछ भी आपके साथ हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग पाप करना छोड़ दें, तभी पवित्र आत्मा
आपके साथ रहेगा और आपकी रक्षा करेगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रोजाना हम प्रभु के वचनों को लेकर आते रहते हैं। सबको जय मसीह की।